हम उसको इतना हाइप क्रिएट कर चुके हैं कि ना रिहाई ना उगले बनती है या निगले बनती है। अगर ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो तो आपको उसका राइट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, देना पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक स्पेकुलेशन ये भी है कि कमांडर कुलभूषण यादव बेसिकली डबल क्रॉस कर रहा था। मेरा ख्याल है कि जिसने लेवल के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर में रहते हैं, हो सकता है कि लम्हा मौजूद में इस तरह के कई केसेस दोनों साइड पे हो। मैं इसमें तो ये एक इशू ढूंढ के इसको पहले डिस्प्ले किया गया और उसके बाद इसको हाइप दी गई। कुलभूषण जाधव का मसला पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, इस बात का संकेत जो परचर्या का अंश आपने सुना उससे आप लोगों को लग गया होगा। पाकिस्तान में यह धारणा आम होने लगी है कि कुलभूषण जाधव एक डबल एजेंट था जो पाकिस्तान तथा भारत दोनों के लिए जासूसी का काम करता था, इसलिए पाकिस्तान की सरकार उसे दंड देने में हिचकिचा रही है। आखिर इस धारणा का आधार क्या है, इसकी चर्चा इस वीडियो के अंत में हम करेंगे। उन साथियों को जो कुलभूषण जाधव की पृष्ठभूमि से अवगत न हो उन्हें बताते चलें कि कुलभूषण भारत के एक भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं। उनको पाकिस्तान सरकार ने अवैध तरीके से गिरफ्तार कर जासूसी का आरोप लगाया है और उस आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस सजा के विरुद्ध भारत ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ शर्तों के साथ उनके मृत्युदंड की सजा पर रोक लगा दी है। आइए सुनते हैं आगे की परचर्चा। भारतीय कमांडर नेवी के कमांडर कुलभूषण यादव की जो के खुफिया मिशन के ऊपर पाकिस्तान में तखरीबकारी के मिशन के ऊपर पाकिस्तान में आए और पकड़े गए। अब इसमें बहुत सारे जो हैं वो स्पेकुलेशन चल रही हैं। कुछ स्पेकुलेशन ये भी हैं कि कमांडर कुलभूषण यादव के ऊपर हमने ब्लफ कॉल कर दिया, भारत ने ब्लफ कॉल कर दिया है और हमें ट्रैप कर लिया है, अब हम उसको ICJ के बाद हाथ नहीं लगा सकते। अब हम चाहते हैं कि वो अपील करे, हम कानून बना देते हैं उसके लिए, वो अपील नहीं करता, फिर अपील भी हम खुद करते हैं, वो वकील नहीं करता, फिर हम वकील भी लेने के लिए अदालत को कहते हैं, अदालत हुक्म करता है कि जनाब इसका वकील कौन होगा। और दूसरी तरफ एक स्पेकुलेशन ये भी है कि कमांडर कुलभूषण यादव बेसिकली डबल क्रॉस कर रहा था और हमारे गले में उसको डाल दिया गया है कि अच्छा आप भी तो इससे बेनिफिट ले रहे थे मुबैना तौर पे, तो आप इसको संभालें। ये दो इस वक्त मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन है, लेकिन जाहिर है कि हमारे साथ राव साहब मौजूद हैं, कोर्ट हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि क्या हर्ज है भारत से ताल्लुकात के लिए उसको वापस कर दिया जाए। देखें जी, सस्टेंड पॉलिसी नहीं है हमारी किसी भी मामले में, और ये क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है इसमें मुझे लगता है कि ज़िगज़ैग तरीके से हम चल रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जब हम कोर्ट में चले जाते हैं तो कन्वेंशंस हैं जिसके अंदर हम काउंसलर असेस देने के पाबंद हैं। जो पहली मुलाकात हुई है फॉरेन ऑफिस के एक बॉक्स के अंदर जिसे खुसूसी तौर पे बनाया गया था, उसके बाद इंडिया के अंदर रिएक्शन बहुत हुआ था और इंडियंस ने कहा था कि ये हमारी इंसल्ट है कि इस तरह एक बूढ़ी औरत, उनकी वालदा थी उस आदमी की, कि जी उसको जूते उतरवाए वगैरह वगैरह वगैरह। उससे निकलते हुए अब ये है कि जब हम एक चीज़ को हाइप ले के इतना ऊपर ले गए हैं तो अब कोई नेचुरल तरीका नज़र नहीं आ रहा कि उस हाइप को हम लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकें। नामुमकिन बात है, बिल्कुल ठीक है। हम प्रोपेगेंडा वॉर में इतना आगे निकल गए हैं कि ब्लर्ड एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम जा चुके हैं। अब जो कुलभूषण है, कुलभूषण जो है वो सेकेंडरी हो गया है। अब दो मुल्कों के दरमियान एक ऐसी टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है जो बेमकसद है बिल्कुल। तो अब जहां तक डबल एजेंट की बात की है, ये मैं आपको अर्ज करूं कि सिटिंग ऑफिसर्स जो हैं मैंने उनमें बहुत कम देखा है कि डबल एजेंट्स हों, लेकिन ये ज़रूर बात है जो सामने आती है कि जो ये बॉर्डर एरिया के अंदर अगर आप सर्व किया हो आपने तो वो 100% हमारी बातें उधर बताते हैं, उनकी बातें हमें बताते हैं। जी ठीक है। तो मैं इसको समझ, मैं मेरी एक तालिबे इल्म की हैसियत से राय है कि हमने इस मामले को बहुत हद तक मिसहैंडल किया है, इमोशनलिज्म उसमें लेके आए हैं और उसके बाद प्रैग्मेटिकली हमें कोई सलूशन नहीं नज़र आ रहा कि हम अपनी पोजीशन जो है
उससे मुस्तहकम करते हुए वापस चले जाए। बिल्कुल ठीक है, और अगर हम वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक शिकस्त का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता हमारे ऊपर लगता है। वैसे तो कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो चुका और कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शिकस्त का एहसास जो होता है, पैग चाहिए होगा अगर उसको छोड़ना है तो हमें कुछ जस्टिफिकेशन कि जनाब वो ICJ ने ये फैसला दे दिया था। भट्टी साहब हम उसको इतना हाइप क्रिएट कर चुके हैं कि ना रिहाई ना उगले बनती है या निगले बनती है, ये मेरा तासुर है, आपका क्या तासुर? अब रह गई बात के जी हमने इसको ओवरप्ले किया या अंडर प्ले, आपका एक वर्षन हो सकता है कि शायद इसको ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई, मेरा दूसरा हो सकता है कि शायद इसको उस तरह से नहीं खेला गया जिस तरह इंडिया के हथे अगर इस तरह की कोई चीज चढ़ती तो वो जैसे पुलवामा कैंप को उसने खेला हमारे खिलाफ, जिस तरह मुंबई को खेला गया उस तरह से हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके हैं। उसकी डिफरेंट रीजन है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ममालिक हैं वो आपकी बात उस वक्त सुनते हैं जब उनका आपके साथ कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। जब अमेरिका का हमारे साथ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उन्होंने सरफे नजर किया, इसमें हमें मेरा ख्याल है कि लीगल जो कोर्स ऑफ लॉ है अगर ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो तो आपको उसका राइट बिल्कुल ठीक है देना पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अपना चौई साहब, चौई जही साहब, ये एक साहब की स्टोरी हमने पांचवी पुश्त की जो हमारी जंग लड़ रही है कुवत उसने भी छोड़ी थी, और वो कर्नल साहब नेपाल में जाके डिसअपियर हो गए थे, तो हम कुलभूषण यादव को क्यों छोड़ें, ये भी एक जंग जो है जारी है। मुझे नहीं पता वो कर्नल साहब नेपाल में क्या करने गए थे, कई इशू है तो हमने प्रॉपरली क्यों नहीं उठाया। ये कन्विंस हो चुके हैं कि कुलभूषण यादव को छोड़ने के बाद हिंदुस्तान के साथ कोई मामलात किसी लेवल के ऊपर तय होते हैं तो कुलभूषण यादव में से आपने क्या निकालना है, ये अभी उस स्ट्रेटजी को देखना पड़ना है फॉरेन ऑफिस, और क्योंकि पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी बनती है उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है और ये यूनानिमस फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि जिसने लेवल के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर में रहते हैं, हो सकता है कि लम्हा मौजूद में इस तरह के कई केसेस दोनों साइड पे हो, मैं इसमें तो ये एक इशू ढूंढ के इसको पहले डिस्प्ले किया गया और उसके बाद इसको हाइप दी गई। हम उनसे कहते हैं कि आए मिले हैं इसकी अपील दायर करें, वो अपील दायर नहीं करते। मेरा मतलब है क्या वो हमारे प्रोसेस को सबवर्ट करना चाह रहे हैं, जो हमने एक हमारा भी तो एक लीगल प्रोसेस है ना सर। तो हैविंग सेड दैट, तो क्या ये सूरत हाल जो है इसमें हम कहीं कोई सस्टेन कर पाएंगे? ऐसा इस सूरत हाल के ऊपर जो है ना मैं आपको ये बताने लगा हूँ जी, बड़ा गौर तलब सी चीज़ है कि पुलिस वाले जो है ना जी उन्होंने कोई 5-7-10 हज़ार रुपया खर्चा उन्होंने एक मुलजिम पकड़ लिया और मुर्रर ने 500 रुपया लेके छोड़ दिया। अच्छा, इस केस में भी यही कुछ होने वाला जी? अच्छा हाँ, उन्होंने लाखों रुपया लगाया या अरबों रुपया लगा, मुझे नहीं पता कि हम करें क्या। अब हम कंबल छोड़ना चाहें, कंबल नहीं छोड़ रहा, हम उसको उतारते हैं वो नहीं उतरता, वो चिपक गया हमारे साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको अननेसेसरली ड्रैग किया है। ठीक, अब वो मिन्नतें कर रहे हैं हम उनकी कि जनाब, मुझे नहीं समझ आई आज तक कि रातों रात ऑर्डिनेंस देने की जरूरत क्यों महसूस कर ली गई, क्या इतना हो गया था, क्या इंडिया ने हमारे साथ चाबहार में तोहफे में दे दिया? और जो हमें पढ़ाया गया है मुतालिया पाकिस्तान में कि टैंकों के नीचे लेटे थे, मैंने आपको लेके जाना है वहां पे दिखाने के लिए कि असल में टैंकों के नीचे किनको लटाया गया था, ये मसला हमसे हाल नहीं होना। अल्लाह हाफिज़। आपने जो परचर्चा में सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि कुलभूषण जाधव को क्यों डबल एजेंट कहा जा रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तीन ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आशंका व्यक्त की जा रही है। पहला, ICJ में कोई मामला तभी सुना जाता है जब दोनों पक्ष सहमत हों। भारत ICJ में गया था परंतु अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो ICJ कोई फैसला नहीं सुना पाता। पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था अगर वह चाहता कि कुलभूषण जाधव को दंड बरकरार रखे। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध पाकिस्तान में रिव्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने कानून बनाकर कुलभूषण यादव को रिव्यू करने का अधिकार दिया, ऐसा क्यों किया? और तीसरा, कुलभूषण यादव रिव्यू करने से इनकार कर दिया, इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने अपना एडवोकेट देकर रिव्यू पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फाइल कराया है, आखिर पाकिस्तान सरकार ने ऐसा क्यों किया?
इन तीनों आधारों पर यह शंका व्यक्त की जा रही है कि पाकिस्तान सरकार कुलभूषण जाधव को मदद करना चाहती है। जहां तक अपने देश का सवाल है, हमारे देश ने पाकिस्तान सरकार को तथा ICJ को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कुलभूषण जाधव एक निर्दोष भारतीय नागरिक है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। कुलभूषण जाधव का भारत के खुफिया एजेंसी से कभी भी कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। लोगों को जानकारी के लिए बताते चलें कि अभी तक भारत ने जितने भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं उनमें से किसी को भी मृत्युदंड की सजा नहीं दिया है। भारत की यह योजना रही है, जैसा कि सूत्रों से पता चलता है, कि उनका ब्रेन वॉश करके डबल एजेंट बना के फिर उनको रिहा कर दें। कुलभूषण जाधव जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, भारत की सरकार इनकी रिहाई के लिए हर संभव हर स्तर पर प्रयास कर रही है। आइए हम भी इनके सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रार्थना करें। आप हमसे अगर जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए इसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।